जोश है, जज्बा है, हौसला है बुलंदियों पर। क्या कर पाएगी टीम इंडिया? कब जाएगी वर्ल्ड कप पर? वो बनेगी देखने योग्य बात। लेकिन आज बात करेंगे क्रिकेट पानी के ऊपर, इंडिया टीम की कमजोरी और उनका ताकत। और ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इस वर्ल्ड कप पे टीम इंडिया के लिए बन सकती है एक्स फैक्टर? तो शुरू करते हैं ताकत से। ताकत क्या रही है अभी तक? अभी कुछ सालों से आप देखें इंडिया क्रिकेट टीम के लिए ओपनिंग क्रम के 3 बल्लेबाज वो बहुत कमाल कर रहे हैं इंडिया टीम के लिए। आप रोहित मैन शर्मा को देखें, आप गब्बर धवन को देखें, आप विराट द रन मशीन कोहली को देखें, तो ये जो 3 बल्लेबाज है ना, ये पूरी तरीके से पकड़ के रखते हैं मैच को और एक अच्छी दिशा पर लेके जाते हैं, मजबूत देते हैं ये इंडिया क्रिकेट टीम को। जब भी आपको 320 350 ये वर्ल्ड कप पे बनाना हो तो ये 3 बल्लेबाज को चलना बहुत जरूरी है। और ये बार बार करके आ रहे हैं इस चीज को, इसलिए अभी तक मिडिल ऑर्डर को प्रभाव नहीं पड़ी है। लेकिन रोहित शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट की बॉस है भाई, ये ओपनर के तौर पर सबसे बेहतरीन ओपनर है अभी वर्ल्ड पे। लेकिन कुछ समय आप देखे उनका आईपीएल देखे, उनका जो इंटरनेशनल कैरियर देखे, तो अभी पिछले कुछ समय से उतना अच्छा नहीं गया है। लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि वो पहला मैच से जो साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा वहां से वो ले प्राप्त करे और पूरी वर्ल्ड कप पे रोहित मैन का बल्ला बोले, ये आशाएं रहेगी पूरे भारतीय के लिए। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो साथ दे रहे हैं वो गब्बर धवन, शिखर पूरी तरीके से बेफिक्र होके खेल रही है इस टाइम पर। आप आईपीएल देखे क्या बल्लेबाजी करे, पूरी तरीके से सेट है, फॉर्म पे चल रही है, ले पे नजर आ रही है। और ये जो फॉर्म चल रहा था वर्ल्ड कप पे, इसको थोड़ी सी और मजबूत करना पड़ेगा और उसको इंग्लैंड पे जाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट का ये सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। ये चाहे किधर रन बनाए ना बनाए, लेकिन आईसीसी इवेंट आ जाती है तो फिर इसके अंदर से वो जो क्रिकेटर का जो भूत होती है ना, वो निकल कर आ जाती है। तो शिखर धवन ये टीम का रहेंगे। ये पावर प्ले पे भी थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं, थोड़ी सी स्ट्राइक रेट पर तवज्जो देते हैं, तो शिखर धवन एक स्ट्रांगनेस माना जाएगा ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। उसके बाद आते हैं विराट द रन मशीन कोहली, इनके बारे में क्या बोले, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, वो सबसे काबिले तारीफ है। 10,000 रन अभी अभी पूरा करके आए इंटरनेशनल क्रिकेट से, सिर्फ 205 बारी उनका लगा। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को ऐसे लग रहा है कि पीछे छोड़ के आएंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप है बॉस, यहाँ पे विराट कोहली जैसा बल्लेबाज को यहाँ पे चलना चाहिए और इस तरीके से चलना चाहिए। कम से कम मेरी जो आशाएं है ना, वो 4-5 सेंचुरी लगा दें तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं हो पाएगा। और ये बल्लेबाज के लिए क्या बोले, ये कमाल है, ये लाजवाब है, ये सबसे बेहतरीन है और ये चलना बहुत जरूरी है। और ये तीनों बल्लेबाज है सबसे इंडिया का पॉजिटिव। और उसके बाद आप किसको नजर करेंगे? उसके बाद मैं शायद जाऊंगा महेंद्र देव धनादन धोनी के ऊपर। हाँ जी, माही सुपर कूल, ये जो विकेट के पीछे करते हैं, हाथ उनका इतना जल्दी आता है, ये विकेट के पीछे रहते हैं लेकिन ये गेंदबाज को चलाते हैं, ये बल्लेबाज का दिमाग को पढ़ते हैं, ये पिच को बहुत जल्दी परख लेते हैं। तो ये जो अनुभव है ना इनके कप्तानशिप पे, ये शायद थोड़ी सी इंडिया क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप पे बहुत सारी मदद करेगा, विराट कोहली को बहुत सारी मदद करेगा। और इनका बल्लेबाजी ये तो वर्ल्ड कप पे सबने देखा है यार, क्या सिर बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता है। और ये महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया है, चेन्नई कहाँ 2 साल बैन होने के बाद लगातार 2 साल उनको इस तरीके से ऊपर लेके आना, ये काबिले तारीफ है। महेंद्र सिंह धोनी आप बॉस हो और आपको वर्ल्ड कप पे अच्छा करना पड़ेगा, चाहे बल्लेबाजी पे हो चाहे विकेट के पीछे हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी निगाहें रहेगी, ये 1300 करोड़ भारतीयवासी की। लेकिन इसके बाद आप किसके ऊपर रुख करेंगे? इनके जो स्पिन ट्विन है ये शायद किसी भी देश के पास नहीं है जो इनके पास है, कुलचा की जोड़ी यानी कि कुलदीप यादव यूजी चहल, ये कर सकते हैं अपनी दावेदारी पे से, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना आजकल इंडिया क्रिकेट टीम के लिए, जब से रविंद्र जाडेजा रविचंद्र अश्विनी जब ये पिच के ओवर पे गेंदबाजी कर रहे थे, इतना सारा विकेट नहीं निकाल नहीं पा रहे थे,
लेकिन यूजी चहल कुलदीप यादव जब से आए हैं इस टीम पे, ये कुछ अलग अंदाज पे गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस टाइम पर विकेट चटकाने की आवश्यकता रहती है बीच के ओवर पे, वहाँ पे अपने कप्तान के ऊपर भरोसा दिला रहे हैं कि हम विकेट ले सकते हैं और हम टीम के लिए एक मैच विनर बन सकते हैं। तो ये रहेगी इनका ताकत, क्योंकि कोई भी आप टीम के पास देखे इनसे अच्छी स्पिनिंग बॉलर नहीं है। तो ये है ताकत। और उसके बाद और एक जो पॉजिटिव है इंडिया के पास, वो है इनके पास वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है बुम बुम बुमराह, जो स्लग ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करती है और जो शुरुआती ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करती है, अच्छी स्लोर वन के साथ प्रभावित करती है यहाँ पे सारे खिलाड़ी को। और इनका यार करना, शायद लसित मलिंगा इतना अच्छा यार्कर नहीं डाल रहे थे, ये उनसे सीखकर कुछ आगे निकल गए। और ये सबसे बड़ा मजबूत, और ये मैं बोलूँगा ये है रीट की हड्डी, और ये जब भी चलाना फिर इससे बड़ा मैच विनर शायद इंडिया के पास नहीं है गेंदबाज के तौर पर। और उनके साथ शायद भुवनेश्वर कुमार आए या फिर मोहम्मद शमी अच्छी ले पे चल रहे, अच्छी फॉर्म पे चल रहे, उनका ठिकाने पर गेंद डल रही है। यार्कर भी बहुत बढ़िया कर रही है, डेट ओवर पे आप देखें किंग्स इलेवन पंजाब के लिए वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो अच्छी ले पे जब है तो वही ले को लेकर जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप, और वहाँ पे उसी तरीके की गेंदबाजी करना पड़ेगा। तो ये बल्लेबाजी और स्पिन क्वीन और धोनी, करामती धोनी और बुमराह की गेंदबाजी, ये चार पॉजिटिव है इंडिया क्रिकेट टीम के लिए। और क्या है इनके पास वीकनेस? वीकनेस मेरे वैसे नहीं लग रहा है कोई वीकनेस है इंडिया टीम के अंदर, क्योंकि अब जब ये 15 खिलाड़ी चुनते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा जताते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये वर्ल्ड कप पर अच्छा करेंगे, ये शायद हमको मैच जिता सकते हैं, ये रन बना सकते हैं, गेंदबाजी भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत हो चाहे अंबाती रायडू हो, शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो हुआ ही नहीं, तो फिर उनके बारे में क्यों करें बात है, क्योंकि उनके जगह पे मौका मिला था विजय शंकर को। और क्या वो इस प्लेइंग 11 पे दिखने के लिए मिलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पे, क्योंकि उनका फॉर्म पे इतना अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन आप जब भी भरोसा जताए ना युवा के ऊपर, उनके ऊपर दबाव रहेगी, फिर भी उनको आप मौका दे, वो विराट कोहली का मर्जी, लेकिन दिनेश कार्तिक जो दूसरी विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को जगह पे लिया गया था, अनुभवी है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो IPL पे कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन आप दिनेश कार्तिक के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है वो आपको मैच निकाल कर दे सकते हैं, मेरे को भी लगती है, क्योंकि इतने साल जब ये कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रही है तो फिर उसको मैच विनिंग पारी वो खेल सकती है, और ये भी करके दिखाए निदास ट्रॉफी पे। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, क्या उनको जगह मिलेगी वो बनेगी देखने योग्य बात है। लेकिन जो चौथा नंबर का स्पॉट है ना, ये थोड़ी सी मिडिल मॉडल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। केदार यादव आप देखें छठा नंबर पर शायद फिट है और वो अच्छा करेंगे, चाहे गेंद के साथ हो चाहे वो बल्ले के साथ हो, और क्योंकि केदार बहुत दमदार है इस टीम के लिए। और चौथा नंबर जो है, जो मिडिल मॉडल का मैं बात कर रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी। क्या फिर आप जो तीसरी ओपनर लेके गए हैं KL राहुल को, उनको देंगे मौका चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए? क्योंकि विजय शंकर और दिनेश कार्तिक से वो बहुत बढ़िया फॉर्म पे चल रहे हैं, और क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और ये दर्शाया इन्होंने कि मेरे पास वो कला है और मैं क्रिकेट पे मैं अपनी जो थापा है ना उसको मैं लगा सकता हूँ, और ये बहुत बारी करके दिखाए शायद बतर ओपनर। लेकिन मेरे को लग रहा है ना, जो प्लेयर के पास पोटेंशियल है, जो प्लेयर के पास क्लास है ना, उसको आप चाहे वो ओपनर हो चाहे वो छठे नंबर पर भी बल्लेबाजी करे चाहे चौथा, आप उनको जिस भी जगह पे खेले ना, वो जब भी फॉर्म पे है, उनका जब भी बल्ला चल रहा है ना, वो फिर अच्छी खेलेगी। वो फास्ट बॉल को भी अच्छा खेल रहे थे, स्पिन को भी अच्छा खेल रहे थे, ऐसे लगते हैं एक कंप्लीट बल्लेबाज है, तो फिर उनको देना चाहिए मौका। मेरा वोट जाएगा KL राहुल के ऊपर। तो कमजोरी स्लिप पे एक स्पॉट के लिए चौथा नंबर, वो जब भी अच्छा हो गया फिर ये टीम को कोई नहीं रोक सकता है। और एक फैक्टर कौन बन सकती है, मेरे को लग रहा है सभी जितने भी क्रिकेटर हैं वो सभी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बुमराह, कोई विराट कोहली, कोई रोहित शर्मा,
कोई महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन मैं जाऊंगा हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि कुंभ पांड्या जिस हिसाब से बल्लेबाजी करे ना, उनका जो शॉट हेलीकॉप्टर शॉट हो, इतने आसानी से कोई बल्लेबाज लगाते हैं, मेरे को तो विश्वास नहीं होती है। इस आईपीएल को बार बार इस चीज को दोहरा के दिखाए, और क्या नॉक खेल रहे हैं अभी कुछ समय से, जब से इनका थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं शायद मानूंगा उनके लिए शायद बेहतर हुआ। वो अभी अपनी गेम को बहुत तरीके से रीड किए, और जिसको लग रहा है ना हार्दिक पांड्या बतौर तीसरे सिमर अच्छा नहीं करेंगे, शायद इस पे थोड़ी सी रहेगी डाउट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्लेयर ने अपनी गेम को पूरी तरीके से परख लिया है, और जो गेम बनाता है नेम, शायद इसको ये चीज़ को एहसास कर चुके हैं, तो फिर वर्ल्ड कप की जैसी एक बड़ी गेम पे ना ये अपनी नाम सुमार करके आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। ये गेंद के साथ अच्छा करेंगे, ये बल्ले के साथ अच्छा करेंगे, जब इंग्लैंड सामने पे हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, तो फिर इनका बल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है, और इनका बल्ला बोलेगा। और ये होती है मेरी जो कमजोरी और ताकत और एक्स फैक्टर मेरी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। मैं आपको ऑल द बेस्ट फॉर दिस 2019 विश्व कप जो 2011 पे हुआ था ना, महेंद्र सिंह धोनी वो ट्रॉफी उठाए थे, सारा देश पे पूरा खुशी है कि लहरी खेल गई थी, तो फिर हमारा उम्मीद है ना आप जब ये फाइनल खत्म होना, फिर वो विश्व कप हमारे घर पे आए, तो फिर ब्लू आर्मी हो जाओ तैयार एक बड़ी जंग लड़ने के लिए। मैं रहूँगा आपकी इंतजार पे, और सारे भारतीय वासी रहेंगे आपकी इंतजार पे, हम करेंगे वर्ल्ड कप का पूरी तरीके से सलाम असूरा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और मेरे क्रिकेट वाणी को आगे लेके जाइए, और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरी यूट्यूब पेज पर, और मेरी फेसबुक पेज पर, मेरी टिकटॉक भी आ चुकी है अभी तक, तो फिर हर किसी पे आप क्रिकेट वाणी मुद्दा देवा डालेंगे। क्रिकेट वाणी एक ऐसा एक जरिया है जो मेरे जैसे जो क्रिकेट को बहुत चाहते हैं उनको सामने पे लाने के लिए, उनका कला उनको दिखाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज, फॉलो मी, थैंक यू वेरी मच।